K1 को लेकर आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर आई है कि MiG-21 को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा फैसला लिया है और MiG-21 की तमाम विमानों की उड़ान पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। हाल फिलहाल में हुए दुर्घटनाओं की जांच की वजह से रोक लगाई गई है। लगातार हादसे हो रहे थे, वायुसेना ने इस पर जांच कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि जो पिछला हादसा हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, उड़ान के दौरान MiG-21 विमान क्रैश हुआ जिसमें 3 ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। हालांकि स्थायी तौर पर ये रोक अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन जो ANI के हवाले से खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 पर के तमाम जो भी विमान इंडिया के पास हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दिया है। 21 को लेकर आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर आई है कि MiG-21 को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा फैसला लिया है और MiG-21 की तमाम विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हाल फिलहाल में हुए दुर्घटनाओं की जांच की वजह से रोक लगाई गई है। लगातार हादसे हो रहे थे, वायुसेना ने इस पर जांच कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि जो पिछला हादसा हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, उड़ान के दौरान MiG-21 विमान क्रैश हुआ जिसमें 3 ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। हालांकि स्थायी तौर पर ये रोक अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन जो ANI के हवाले से खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 पर के तमाम जो भी विमान इंडिया के पास हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दिया है।